नमस्कार कैंसर, कैंसर यानी कर्क राशि, मैं सुरेश को ट्रिपल एस एनडी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है, या जिनका सेपरेशन हुआ है, या ब्रेकअप हुआ है, या किसी भी रीजन से अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो रही हैं, दूरियाँ बनी हुई हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल होने के कारण ये रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितने रेजोनेट होते प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन, मून साइन या नाम राशि, जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो आइए कैंसर सबसे पहले देख लेते हैं जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं उनकी इंटेंशंस क्या हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले करंट फीलिंग्स देखते हैं आपके प्रति उनकी राइट नाउ। कैंसर के पर्सन की कैंसर के प्रति करंट फीलिंग्स, तो कैंसर जो आपके पर्सन है उन्हें लग रहा है, उन्हें फील हो रहा है कि इस रिश्ते में वो बहुत एंजाइटी स्ट्रेस में है, रातों की नींद हराम हो चुकी है, वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो वो इसलिए वो जगल कर रहे हैं इस रिश्ते में, जगलिंग फेज में है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्हें पहले अपना जॉब बिजनेस करियर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, या नए रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहिए, या फिर नए सिरे से इस का सॉल्यूशन और हल निकालते हुए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर देनी चाहिए। एक तरफा उनको लग रहा है कि उन्हें एक बिगनिंग, एक नई शुरुआत करनी चाहिए, इस रिश्ते में वापस आ जाना चाहिए। दूसरी तरफ उनको लग रहा है कि नहीं, उन्हें पहले स्टेबल खुद को प्रिपेयर रेडी करना चाहिए, स्टेबल करना चाहिए, जॉब बिजनेस एडवेंचर के लिए काम करना चाहिए। तो अभी वो दुविधा में है, अभी वो इसमें कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो इसलिए इसमें कोई भी क्लैरिटी नहीं है। एक तरफ वो नए सिरे से इस रिश्ते को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, और दूसरी तरफ वो अपना जॉब बिजनेस करियर की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो चाहते हुए भी वो इसका सॉल्यूशन और हल नहीं निकाल पा रहे हैं। हालांकि अगर चाहें तो इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि इसका हल सॉल्यूशन ना निकाला जाए, तो लेकिन वो अभी जगल कर रहे हैं, जगलिंग फेज में हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो इस कैंसर जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि क्योंकि उनको लगता है कि आपने उन्हें बहुत दुख तकलीफ दिया, जिससे वो हर्टेड है, अभी भी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, उस हादसे को भुला नहीं पाए हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है। तो इसलिए वो अभी रेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ना चाहते हैं। और वो इसलिए वो आप इस रिश्ते को गॉर्जियस बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए, ये क्रिएटिव बनाने के लिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो एक दूसरे से आपस में, उनको लगता है कि थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, आराम करने के बाद, जब वो उनको लगेगा कि वो आराम कर चुके हैं, इस आगे बढ़ने के लायक हो गए हैं, तो तभी वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। और वो क्योंकि वो अभी भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो अट्रैक्शन फील करते हैं इसमें, आपकी तरफ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि अगर खुल कर बातें कर ली जाती हैं तो ये रिश्ता आगे जाकर जो है काफ़ी अबंडेंस दे सकता है, काफ़ी खुशियाँ दे सकता है, और ये रिश्ता आगे जाकर जो है सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। तो वो इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, नेम और फेम के साथ सक्सेसफुल, फ्रूटफुल, कामयाब, जो भी कितना कह सकते हैं वो बनाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि अगर आप आगे बढ़ते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, तो 12 की 12 राशियाँ भी उनका साथ देंगी। तो वो इसमें अगर थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें जो नहीं
बतानी चाहिए, तो वो उन चीज़ों को अपने तक सीमित रखें। अगर कोई परेशानी कोई तकलीफ है भी छोटी मोटी, तो उन्हें अपने तक सीमित रखें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं ताकि ये रिश्ता कामयाब हो सके, फ्रूटफुल हो सके। और जब तक वो इस रिश्ते में यूनिवर्स में आस्था लगाना चाहते हैं, उन पर भरोसा करते हुए, उनको सरेंडर करते हुए, तभी वो एक बिगनिंग एक शुरुआत करेंगे। या फिर वो चाहते हैं कि आप इसमें बिगनिंग और शुरुआत करें और इस रिश्ते को एक नया मोड, एक नया अंजाम दें, यानी कि खुशियों में तब्दील करें, क्योंकि वो आपसे काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अट्रैक्शन महसूस करते हैं। उनको लगता है कि आप जो भी काम करते हैं, आपका जो काम करने का अंदाज है, वो उनको बहुत पसंद आता है। सॉरी गाइस, तो देखते हैं कैंसर वो क्या एक्शन लेंगे इसमें। कैंसर के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर वो करना चाहते हैं और इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सब कुछ लाने के लिए वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग एक शुरुआत करना चाहते हैं और इसमें वो परिवार की, फैमिली की मदद लेते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर परिवार और फैमिली की मदद लेकर, या किसी नॉन पर्सन की, या बड़े बुजुर्ग की, या किसी गुरु मेंटोर की मदद लेकर अगर इस रिश्ते में टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाया जाता है, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। और वो अगर कोई बात वो जानते भी हैं, कोई राज, कोई मिस्ट्री है, तो वो चाहते हैं कि जब तक उन चीज़ों को अपने तक सीमित रखना चाहिए, चुप और खामोश रहना चाहिए, जब तक सही समय और सही वक्त नहीं आ जाता। सही वक्त आने पर ही इस रिश्ते के बारे में बताना चाहिए। अभी इस रिश्ते के बारे में किसी के सामने भी ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। अपने तक सीमित रखने की ज़रूरत है चीज़ों को। जब तक सही चीज़ें नहीं हो जाती, उनके फेवर में नहीं आ जाती, तो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देखते हैं। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज। कैंसर पर्सन की तरफ से, कैंसर पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है, उन्हें क्या करना चाहिए। एस ऑफ वांड्स, टू ऑफ वांड्स एंड द लवर्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि आपको इस रिश्ते में हालांकि प्यार और प्रेम है, काफ़ी डीप वाला प्यार है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ना कुछ अडिक्शन, अट्रैक्शन भी है। तो सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते के प्यार को ना देखें, इस रिश्ते की अट्रैक्शन को ना देखें, इसकी गहराई को भी देखें कि इसके पीछे छिपी जो अडिक्शन है या जो लस्ट है, उनके बारे में भी डिसीजन लें। रुक कर ठहर कर, आमने सामने बैठ कर उस उन उन जो भी एडिक्शन है या जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में है, उन्हें आमने सामने बैठकर डिसीजन ले, क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें और इस रिश्ते में एक बिगनिंग एक शुरुआत करें। और सही समय आने का, सही वक्त आने का, चीज़ों को फ्रूटफुल होने का, या रिश्ते घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम जब तक इस रिश्ते में नहीं आ जाता, तब तक आप उसका वेट और इंतजार करें। भले ही आपके पास और ऑप्शन है, लेकिन आप वेटिंग पीरियड में रहना पसंद, आपको रहना चाहिए, वेट करना चाहिए। और यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर आप एक बिगनिंग एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके वो अपॉर्चुनिटी जो है, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, काफ़ी खुशहाली में तब्दील हो सकती है। और अगर आप नई अपॉर्चुनिटी की तरफ भी जाना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि इस रिश्ते में एडिक्शन है, प्यार के साथ साथ लस्ट है, अगर इस रिश्ते में आप नहीं रहना चाहते, तो यूनिवर्स जी आपको नई अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, उसके साथ भी आप नए रिश्ते की तरफ जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।